एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखें तब जो संख्या बनती है उसका नाम है सज्जनु परार्ध। मैं तैतृय उपनिषद की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। सप्तद्वीपा मेदिनी, सप्तद्वीप वाला भूमंडल, इसका कोई एक क्षत्र सम्राट हो, संयमी हो, श्रोत्री हो, युवावस्था संपन्न हो, मर्त्य लोक का सारा भव्य वैभव उसको भोग्य के रूप में सुलभ हो, भोग भोगने की क्षमता भी उसको पर्याप्त हो, ब्रह्म मुहूर्त में प्रजा यशोगान करती हो, उस चक्रवर्ती नरेंद्र को जो प्राप्त सुख उसका नाम मानुषानंद, मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद का नाम है मानुषानंद। मानुषानंद की अपेक्षा 1,000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्राप्त होता है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखिए तब जो संख्या बनती है उसका नाम है 1,000 परार्ध। ब्रह्मा जी जिनको हिरण्य गर्भ कहते हैं उनको व्यवहार दशा में प्रतिक्षण 1,000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है, मर्त्य लोक की अपेक्षा अधिक। तो तैतृय उपनिषद का अनुशीलन करने पर एक लिखने पर जो 20 शून्य आगे लिखें तब जिस संख्या की प्राप्ति होती है उसका नाम है 1,000 परार्ध। वाल्मीकि रामायण आदि में असंख्य के सन्निकट गणित को पहुंचा दिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि असंख्य कहने पर भी लक्षणा से उस संख्या का द्योतन हो जाता है, लेकिन संख्येय गणनायुक्त जितने पदार्थ हैं उनमें अविधा वृत्ति से या साक्षात गणित की गति होती है। एक संकेत कर देना मैं उचित समझता हूँ। अग्नि पुराण आदि के आधार पर दशमलव पद्धति की चर्चा अभी हम सुन रहे थे, उस संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है कि किसी भूमि में एक बीज बो दिया गया, बीज का निक्षेप किया गया विधिवत, किसी स्थान विशेष में बीज का आधान किया गया, कालांतर में उससे अंकुर उत्पन्न हुआ। कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है तो अपने आप किसी स्थान विशेष में, किसी काल विशेष में उत्पन्न होती है, यह मान्यता है। कार्य कोटि का पदार्थ जो ही हम मानते हैं त्यों ही देश और काल की गणना अपने आप प्राप्त हो जाती है। वस्तु की उत्पत्ति होगी किसी न किसी देश विशेष में, क्षेत्र विशेष में, या स्थान विशेष में, किसी न किसी काल विशेष में। इसलिए जब हम कहते हैं कि गणेय की गणना का नाम गणित है, तब गणेय क्या क्या है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अग्नि पुराण में स्पष्ट लिखा गया काल की गणना भी गणित है, देश की दिक की गणना भी गणित की सीमा के बाहर नहीं है। यहां भी दशमलव पद्धति सज्जनों प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? प्राची प्रतीचि पूर्व पश्चिम इत्यादि दिक के 10 भेद हो जाते हैं, दशमलव पद्धति की प्राप्ति।